आरती हमेशा उस पेड़ के पास बैठे रहेगी दिन में। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे चैनल पे ढेर सारे प्यार दुलार देते रहिए। अरब गया है स्कूल अभी पढ़ने के लिए ट्यूशन, आएगा तो बहुत भूखे है, वो नाचने कूदने लगता है, इसलिए उसके आने से पहले हम चावल का भूंजा भून देते हैं। हीटर है, हीटर पे कढ़ाई चढ़ा दिए, गर्म हो रहा है। शाम का टाइम हो गया, खाना भी बनाएंगे इसलिए भी भूंजा भून देते हैं। सुबह ही मम्मी खाना बना के चली जाती है खेत में काम करने के लिए। इधर देखिए बाहर है, बाहर में कितने हरे हरे पत्तियां भी है और आम का पौधा भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे आम का पौधा लगाए हैं, कितना अच्छा लग रहा है आम का पौधा। यहाँ देखिए बादाम लगा हुआ है, मेरे ही बादाम है। इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हरे भरे हैं। पर देखिए उधर साग उगला हुआ है, जा रहे हैं साग आज तोड़ के बनाएंगे। आज सब्जी में कुछ नहीं है तो आज साग ही तोड़ के बनाऊंगी। आप लोग जानते होंगे यहाँ दिख रहा है जो कुद्रुम का साग है, वही तोड़ कर बनाएंगे। देखिए हरा भरा है, हरे हरे पत्तियाँ हैं। देखिए इसको मैं तोड़ती हूँ, इसको साग बनाती हूँ। उबाल के खाया जाता है इसलिए तोड़ कर रख दिए हैं और इसको उबालेंगे। आर्यन के पापा भी गए हैं बाजार आर्यन के घुमाने के लिए। आर्यन बहुत जिद कर रहा था कि बाजार जाएंगे, पर आज गया घूमने पापा के साथ। आएगा पता नहीं क्या लेकर आएगा, बहुत खुश होकर गया है घर से। बहुत गर्मी की टाइम है, बहुत गर्मी लगता है हमको। जो दिख रही है वो मेरी जिठानी है बड़ी वाली और उसका बच्चा है। देखिए आरती हमेशा उस पेड़ के पास बैठे रहेगी दिन में। और हमारे घर के आसपास भी पेड़ है लेकिन उतना मतलब ठंडी हवा यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हमारे घर के पास अमरूद का पेड़ हुआ और इधर शीशम का भी पेड़ है। तो यहाँ पे उतना ठंडा नहीं होने के कारण आरती हमेशा दोपहर में उधर बैठे रहेगी उस पेड़ के पास। और यहाँ पे मतलब सारे लोग रहते हैं, इस घर के लोग रहते हैं उस घर के लोग रहते हैं। और यहाँ पे सामने एक इधर भी घर है, पेड़ के वजह से नहीं दिखाई दे रहा। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे रहती है, सामने ज़्यादा करके औरतें यहाँ पे बैठे रहती है और लड़के लोग या और कोई लोग उतना ज़्यादा नहीं रहते, बच्चे लोग रहते हैं और औरतें सारे यहाँ पे बैठे रहते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।